अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चुटकुले टीवी। आज मैं एक बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ जो बच्चे सुनकर भी खुश होंगे और सबके सब खुश होंगे। वो क्या है, आज मैं पॉपकॉर्न खाने के फ़ायदे बताऊँगी। सीरियसली आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, बच्चे भी यकीन नहीं करेंगे कि ये तो स्नैक्स हैं, ये बाहर की चीज़ है, लेकिन इसको जो है ये कहा जा रहा है कि इसको खाओ और इसके बेनिफिट्स हैं। तो जी हाँ, मैं यही बोल रही हूँ कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे, इसको खाया करें। मैं ख़ुद बोल रही हूँ खाया करें, इतने फ़ायदे हैं इसके। बल्कि एक काम करें, वीडियो को भी पॉज करें, जल्दी से बना के लाएं और खाते खाते मेरी वीडियो देखें। अच्छा, पॉपकॉर्न घर में बनाने हैं, बाहर से नहीं, क्योंकि बाहर जो है क्या क्या केमिकल डाले हैं और कब के पुराने पुराने भी होते हैं, तो इसलिए उससे परहेज़ करें। और उससे भी जो मसाले वाले होते हैं ना, उस तरह के पॉपकॉर्न नहीं खाने, मसाले वाले या बटर वाले या फिर शुगर वाले, जो शुगर कोटेड होते हैं और पता नहीं किस किस तरह से अब आते हैं, वो नहीं बनाना। वो अनहेल्दी होते हैं, वो तो ज़ाहिर से बात है, मैं उसको सजेस्ट कभी भी नहीं करूँगी, अनहेल्दी हैं वो, नहीं। घर में ख़ुद बनाना है थोड़े से तेल में, और उसको बनाकर ख़ुद बनाकर खाना है। ओके, वो आप लोगों के लिए हेल्दी हैं, और उसके क्या फ़ायदे हैं मैं अब स्टार्ट करती हूँ। इसको खाने का पहला फ़ायदा ये है कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप उसको कम करना चाहते हैं, तो ये खाया करें, वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉपकॉर्न हड्डियों को मजबूत करता है, वेट गेन करने में भी मदद करता है, मतलब जिनका बहुत सूखा पापड़ जिस्म है उनके लिए ये बेहतरीन है, उनका वेट गेन होगा। मतलब जो मोटे हैं उनका वेट लूज़ होगा, और जो पतले हैं उनका वेट गेन होगा। मतलब इस तरह से पॉपकॉर्न ये अंदर काम कर रहा होता है, खून की कमी को दूर करते हैं ये पॉपकॉर्न, दिल और दिमाग को सेहत पहुँचाते हैं, हाई BP को नॉर्मल करते हैं, किडनीज़ को, गुर्दों को सेहतमंद रखते हैं, ट्यूमर होने नहीं देते, किसी भी किस्म का कैंसर ट्यूमर होने नहीं देते, अगर किसी को हो गया तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करते हैं, बुढ़ापे को रोकते हैं, यंग रखते हैं। पॉपकॉर्न्स में फाइबर हाई मकदार में होती है, जिसकी वजह से अगर कोलेस्ट्रोल है तो उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं, साथ साथ अगर शुगर भी है तो उसको भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। पॉपकॉर्न्स आंतों के मसाइल को ख़त्म करते हैं, हाजमे को ठीक करते हैं, और तो और जिल्द को, स्किन को खूबसूरत बनाते हैं। और यही अगर बालों के ऊपर बात की जाए तो बालों के लिए भी बेहतरीन है, बालों को शाइनी बनाते हैं। बाल अगर बहुत टूटते हैं तो बालों को ये टूटने से रोकते हैं, बालों की ग्रोथ रुक गई है या कभी बाल बढ़ते ही नहीं है, लंबे होते ही नहीं है, तो उसको भी ये लंबे करने में हेल्प करते हैं। हाँ जी, तो ये थे इसके फ़वाद, ये सारे बेनिफिट्स थे पॉपकॉर्न खाने के, आप सोच नहीं सकते। इसके अलावा भी कई सारे फ़वाद हैं जो मैंने स्किप भी कर दिए हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को यही पता चल गया है कि ट्यूमर के लिए तक, गुर्दों के लिए तक भी, क्योंकि ये बड़ी बीमारियां हैं, इसको भी अगर ये ठीक करते हैं तो ख़ुद आप लोग सोच सकते हैं कि और अंदरूनी और क्या क्या मसले हो सकते हैं जिनको ये ठीक कर सकते हैं, तो आप ख़ुद अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं। अच्छा, बेहतरीन खाने का टाइम जो है इसका, वो है मॉर्निंग, मतलब ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट में मतलब नाश्ते में, और कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अगर आप एक प्याला खा लिया करें ना नाश्ते में, तो बेहतरीन है, ठीक है, इन सब फ़ायदों के लिए। वैसे तो किसी भी टाइम खा सकते हैं, मतलब कोई मसला नहीं है, लेकिन दिन में एक प्याला तो खाएं बस, उससे ज़्यादा नहीं, वरना पेट ख़राब हो जाएगा। नाश्ते में खाएं बेहतरीन है, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन अगर आप लोग नाश्ते में नहीं खाना चाहते तो किसी भी टाइम खा सकते हैं एक प्याला। अच्छा, एक और फ़ायदा है जो मैं बताना आप लोगों को भूल गए, अभी याद आया मुझे अचानक से, कि अगर आप सोने से पहले खाकर सोएंगे ना तो नींद अच्छी हो जाती है, मतलब नींद अच्छी, गहरी नींद अच्छी आती है। मतलब अगर आप लोगों को रात भर नींद नहीं आती, जैसे नींद का मसला रहता है, तो फिर आप लोग पॉपकॉर्न खा के सो सकते हैं, अच्छी नींद आएगी, अच्छी नींद के लिए। तो बस वीडियो का होता है एंड, बताएं वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। अस्सलाम।